मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। रोज मेरी ख्वाहिशों का कत्ल होता है यहाँ पे और मैं रो भी नहीं सकती। लेट दस और रो नगीना के दुश्मन। फिलहाल तो खाला ही मेरी दुश्मन। अबाजी अपनी को दुआ तो दो। मेरा सोना रब नगीना को पुत्र दे। वाह ताया जान वाह, मुझे सिर्फ नेक औलाद की दुआ और उसे बेटे की दुआ। और इनके फलसफे में मेरी बुटी नाराज कर दी इन लोगों ने। फिरोजा मेरे बताओ नगीना। तुम नगीना मेरी बात खबरदार जो मेरे पास भी आए तो। ये क्या फिरोजा लगाया हुआ तुमने? मेरा नाम नगीना है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला? नहीं, तुम्हें फिरोजा के पास जाना ना। मेरी बात तो सुनो। देखो नगीना मेरी बात तो सुनो फिरोजा। नगीना वो तेरे पुत्रा नगीना। अब्बा जी से मशवरा करता हूँ। लो जी ये स्पेशल देसी घ्यो के लड्डू जो है ना, मेरे अब्बा जी ने अपनी बहू के लिए भेजे और कहा कि ट्रक जाके उनको पेश करो और इस खुशी के मौके पे उन्हें ये मिठाई खिलाओ, विद बंडल ऑफ थैंक्स कि आपकी वजह से वही खाना दादा बन जाए। लो ये लड्डू जाके उनकी उस बहू को खिलाओ जिसको मेरी खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई, बजाय इसकी कि मेरी खुशी में वो खुश होती अपने दुख रोना शुरू कर दिया उसने। अब इसमें मेरा क्या कसूर है कि उसकी शादी उस मालिक से हो गई है? बता मुझे। तो फेल। उसे तो बस तो फेल ही चाहिए। उसको कहा कि ले जाए तो फेल नहीं चाहिए मुझे। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, तंग आ गई हूँ मैं ये रोज रोज एक ही बात सुन सुनकर। अब अपना साथी को मूड खराब ना करो, ये लो मिठाई खाओ। नहीं खानी। मैं नहीं खानी, यानी कि तुम अपने तुफैल के साथ लाइफ की इतनी बड़ी खुशी के मौके पे मिठाई नहीं खाओगी? तुफैल अगर तुमसे जरा से भी मोहब्बत ना होती ना तो जहर दे के मार देती तुम। और मोहब्बत से बड़ा कोई जहर नहीं होता। अगर ये जहर खा के तेरा तुफैल जिंदा है तो समझ तेरा तुफैल किसी टीट का पुत्र है। ना 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 इतने गुस्से से ना देख, तेरे गुस्से पे मुझे ज्यादा प्यार आता है। जुबान पर मेरा नाम तो आता नहीं और कह रही हो कि प्यार आता है। फिरोजा 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 की क्या बात है? फिरोजा फिरोजा लगाई हुई थी तुमने? वो तो एमी ना, बस वो एमी स्लिप ऑफ टंग था तो मुंह से निकल गया। दिल में कौन है ये चेक करो। दिल में फिरोजा नहीं, नगीना है। नगीना। ओ क्या हो गया नगीना, अब तुम अपने तुफैल की मोहब्बत पे शक करो? तो कि यही चापलूसी ना औरत को बर्बाद कर देती। उसको लगता है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। कभी माँ बाप पूरी बन के दरमियान में आ जाती है तो कभी बहन भाई। बस करो प्लीज, बस कर दो, माफ कर दो। मैं यकीन से कहता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जो तुम कहोगे बिल्कुल वैसे करो। अगर यकीन नहीं आता तो खाऊं कसम उस मोहब्बत की जो मुझे तुमसे है। तो क्या मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की? ये ना तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ, और हम दोनों की मोहब्बत पता है किसके साथ? द लकी वन साडी औलाद। हाथ से तो लड्डू खाओ। कैसी उर्दू बोली है, फिल्मी डायलॉग नहीं बोला? ये अब्बा जी लेके आए थे, कहते फरोसा को काट के खिला देंगे। तुम कुछ नहीं लाए? मेरा और अब्बा जी का खाता अलग अलग तो नहीं है?
दिन मैं तुफैल गोश्त ले आया था। फिर क्या हो गया? बड़ा भाई है मेरा, फर्ज है उसका। ये फर्ज नहीं है, कर्ज है उसका। कर्ज? कर्ज कैसा? चुकाना पड़ेगा ना, जब उनके घर औलाद होगी। हाँ, तो उस वक्त जो हमसे बन संवरेगा हम भी कर देंगे। शरीकेदारी में जो लिया जाता है उसका दुगना वापस करना पड़ता है। और ना ना, हमारे घर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वैसे भी तुफैल भाई तो बड़े खुश थे, और मुझे कह रहे थे कि तुम लोगों के बेटे को मैं अपने पास रखूंगा। मैं अपने बच्चे को पराई गोद की आदत नहीं पड़ने दूंगी। पराई गोद? क्या हो गया तुझे? तुफैल भाई ताया होंगे हमारे बेटे के। बेटे की उम्मीद? अगर बेटी हो गई तो? अल्लाह से दुआ की है मैंने, बेटा मांगा है मैंने। दुआ तो ताया जान ने भी दी है नगीना को, बेटे की। ओहो, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। सेब खा। हाँ जी भाई। क्या बना? ये देखें। ये इतना खर्चा ऐसे कैसे चलेगा? अगर इतना ज्यादा खर्चा करेंगे तो तुफैल के पैसे कैसे वापस कर सकेंगे? भाजी ये बात आप रोज मुझे कहते हैं, आपके सामने ही है। ये देखें, ये मुनाफा है, ये खर्चा है। एक मशवरा है, रात को दुकान का एक घंटा ज्यादा कर देते, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ये भी तो ठीक कहता है। तो मुझे बता ना कि मैं रोज तुझसे हिसाब किताब कराने बैठ जाता हूँ, इस तरह मसला कैसे हल होगा? बाजी मुझे तो पहले दिन से इस मसले की समझ नहीं आ रही। पहले भी तो हम तुफैल भाई से पैसे लेते हैं, आज तक वापस नहीं किए। अब ऐसी कौन सी परेशानी आ गई? अब हिसाब किताब हुआ करेगा, जिससे जो पैसे लेंगे उसे वापस भी करेंगे। इस तरह तो फिर दुकान का भी हिसाब किताब होना चाहिए, जो पैसे सब पे खर्च होते हैं। बस हमारे हालात देख ले, पैसे नहीं हमारे पास। तो मत करे फिर शादी, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब कर लेना, लेकिन जेवर उतना ही डलेगा जितना बाकी की बीवियों को डला है। तो जा जाके कमा, फिर जा कमा के चाह पूरे कर, जा जो करना है। ना मेरी बात सुने, बाकी भाइयों ने कमा के डाला था। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मेरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। हेलो, हाँ यास्मीन। सलाम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है ना? खैरियत क्या पूछ रहे हैं आप? अब खैरियत तो उस वक्त पूछ रही थी जब मुझे कराची ब्याह दिया था, कि यहाँ कितनी खैरियत रहती और कितनी नहीं रहती। ओए अब क्या हो गया? पाजी क्या बताऊँ, नए किराएदार आया मोहल्ले में, तीन बदमाश बेटे हैं उसके, और मेरी तो जान ही सूली पेट की हुई। तो तुम्हारे शोहर को एहसास होना चाहिए था। मेरा शोहर ट्रक ड्राइवर है, रोटी कमाने बाहर जाएगा तो इज्जत के लाले पड़ जाएंगे, और इज्जत संभालने के लिए घर बैठ जाएगा ना तो भूखे मर जाएंगे। और पाजी मेरी जान तो हर वक्त मुसीबत में ही अड़ी रहती है। यास्मीन यास्मीन, मुझे तुम्हारी मुसीबत का एहसास है। पाजी आपको अगर थोड़ा सा भी एहसास है,
तो अपनी अमानत अपने घर ले जाए, भले सादगी से ही शादी कर ले, बस आप अपनी अमानत ले जाए, मेरे सर का बोझ हल्का करें। अच्छा अच्छा रो ना, कुछ करते हैं, तुम फिक्र ना करो। खुदा हाफिज। अब आएगा ना मजा, लेके जाएंगी अपनी अमानत। क्या बात है, यास्मीन का फोन था, क्या कह रही थी, शादी का कह रही थी? शहर के हालात से परेशान है, चाहती है कि जल्दी से जल्दी बेटी की रुखसती कर दे। वो तो ठीक है, पर देखे ना अभी तो दो लड़कों की शादियां की है हमने, और भी खर्चे दो सर पे सवार है, तो ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? अब देखना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यास्मीन कह रही है कि बेशक सादगी से कर दे। गुलाम तालिब, कितनी भी सादगी से करें, खर्चा तो करना पड़ेगा ना, तो कहाँ से करें? यही तो मुसीबत है, ना कर्ज ले सकता हूँ किसी से, ना बेटों से कह सकता हूँ। बेटों की हालात तो तेरे सामने ही। हाँ हाँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, वैसे तुमसे कह रहा हूँ कि भाई कोई कोशिश करो, तैयारियाँ शुरू करो, कोई कपड़ा लत्ता, कोई जेवर वगैरह घर से निकालो। मैं भी करता हूँ कुछ बंदोबस्त। अच्छा निकालती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अम्मा, ये इतने पुराने कपड़े लग रहे हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। वो बेशरम के, किस नैल की बो है, अभी डालूंगी ना धूप में, खुद ही ठीक हो जाएगी। तो इतने पुराने कपड़े आप लाए कहाँ से हैं? कुछ तो मैंने खरीदे थे, तो कुछ जो लेने देने वाले नहीं होते, लोग देते हैं तोहफे शोहफे, वो ना सिलवाए ना बनाए, तो वो पड़े थे। तो अम्मा धूप लगवाने की क्या जरूरत है, किसी को दे दे। तो दे रही हूँ ना, शायस्ता को दे रही हूँ, अब्बास की बरी में लगाऊंगी। अब्बास भाई की बरी के लिए ये कपड़े? तो क्या करूँ भाई, जल्दी में यही हो सकता है। अभी दोनों बड़े भाइयों की जो बरी थी इतनी शानदार थी, और आपको पता है फुफो ने और शायस्ता ने खुद देखी थी, वो देखेंगी तो बुरा नहीं मनाएंगी क्या? उन्होंने कहा है कि जल्दी कर दें, जोर डाला है हम पे, हमने कहा भी हालात अच्छे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं। नहीं भाई, जल्दी करो, सादगी से कर दो। तो सादगी से तो बेटा ऐसी ही, अभी तो मुझे जेवर की फिक्र है, जेवर कहाँ से लाऊंगी, दो सेट तीन सेट तो दे दिए उनको बहुओं को, अब एक तेरे लिए रखा हुआ है, वो भी मुसीबत। तो अब आप क्या करेंगे? करना क्या है, गले का जेवर तो निकालूंगी घर से ही, सेट शेट, बाकी चूड़ियां कंगन नहीं होते मेरे से, कड़े कड़े दे सकते। माँ जी मुझे ये बताएं कि बाकी भाई वो कितना सोना डाला था? नहीं, 6 तोले का हार था, तो चूड़ियां थी, 6 10 तोले हो गया था। बस फिर मेरी बीवी को भी 10 तोले डलेगा। हमारे हालात देख ले, पैसे नहीं हमारे पास। तो मत कह रहे फिर शादी, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब कर लेना, लेकिन जेवर उतना ही डलेगा जितना बाकी की बीवी को डला है। तो जाके कमा, फिर जा कमा के चा पूरे कर, जा जो करना है। ना मेरी बात सुने, बाकी भाइयों ने कमा के डाला था। देखी तो जबान देखी। माजी एक ज्यादती कर चुके हैं मेरे साथ, दूसरे ही नाम जबान देखी इसकी, काट दिल करता जबान से, तो भी हर कोई मेरी जान। बस अम्मी जान, तुसा दुआ करो मेरे घर पुत्र होवे। हाँ हाँ, बढ़िया दुआ करें दी पई हमें, के लसाई मेरी धी की झोली भर दे। अच्छा ये बताओ डॉक्टर क्या कहते हैं? ओ कहन दिन खिलाफे कानून है गल, मेरी तो दिन रात ही दुआ है कि अल्लाह ताला मैं को बेटा दे और नगीना को धी। पर क्यों? उसके तो नखरे सतवे आसमान दे हैं, मैं को ताई जब देखती है जब कोई हकीर कपड़े नु देखता है, खानदान का पहला पोता उसने पैदा कर दिया तो खुद को तो खुदा ही समझने लगेगी। अरे अल्लाह माफ करे। अच्छा तू दफा कर, कोई जरूरत नहीं अपने दिल को लगाने की, बस खाओ पियो और खुश रहो। ये बताओ वो तुम्हारा घर वाला क्या कहता है? वो तो कुछ नहीं कहते। ना मेरा मतलब है उसे क्या शौक है, उसे धी चाहिए कि पुत्र चाहिए? उनको तो बेटे का शौक है। लसाई तेरी झोली भर दे मेरी थी, यही दुआ है मेरी। तो सा सुनाओ, बिंदिया की शादी कब तक करना चाहते हैं वो लोग? अभी तो वो अपनी बहन के जरिए ना पैगाम भिजवाया था उन्होंने, अगले हफ्ते आएंगे।
वैसे लड़का तो चंगा है अम्मी जान। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने खानदान का है। चलो देख लो तुसा। बहू जी आज आ रही हूँ। हाँ, डिफेंस वाला फ्लैट सेट करवा दिए और दो मुलाजिम भी भेज दिए। बहू जी एक बात पूछती थी। बहू जी आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप उसे दोबारा तुम्हारी जबान पर भी ये बात नहीं आनी चाहिए। जी बहू जी। मैं बहू जी को इतला देता हूं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? वो मुझे लग रहा था ये सब इस बेचारी को घेरे खड़े हैं। रास्ता बना रही थी इनके लिए। रास्ता? जानती हो ऐसा क्यों है? नहीं, कभी ऐसा कोई किरदार किया नहीं मैंने। इसे मलका कहते हैं। मलका अपने बादशाह की मलका। ये सब वफादार है इसकी, आखिरी सांस तक हिफाजत करते हैं इसकी, अपनी जान पर खेल जाते हैं इसको बचाने के लिए। कमाल है, इतने सारे लोग एक जान को बचाते हुए अपनी जान दे देते हैं। जिस जान को बचाते हुए इतनी जानी जाती है, उसे एक जान को ही क्यों नहीं मार देते? बस बस, याद है जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें डर तो नहीं लगता? मैंने कहा था नहीं, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर डर है, क्यों? मंजिल करीब आ रही हो तो लगता है डर कि कहीं कोई फिर उससे दूर न करते। कौन सी मंजिल? जरूरी है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए?
बहू जी के हर सवाल का जवाब। सॉरी बहू जी। नहीं, जरूरी नहीं, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। खाना लगाओ। नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं। पहली बार जब आई थी तो सच में भूखी थी। हराजू, आज हमें भूख लगी है, लगाओ खाना, बैठ जाओ। ये लो, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो पसंद कोई बात, जो पसंद है वो बताओ। ये नहीं, मैं ये ले लेती हूँ। नहीं, अब ये नहीं, जो पसंद है वो बताओ। ये बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, बाकी सब उठा लो। आज मैं भी तुम्हारी पसंद का खाऊंगा। अरे आप क्यों मेरी वजह से? हर रोज अपनी पसंद का खाता हूं, आज तुम्हारी सही। ट्राई करो, बताओ कैसी। कैसा? बहुत आला। बताओ कैसे याद आई हमारी? याद नहीं आई, जरूरत लाई। चलो, जरूरत ही सही, याद तो आई। बताओ। दूसरी बार कराची आई, पहली बार आपके लोग मुझे लाए थे आपके पास, आज मैं खुद आई हूं। तब मुझे कोई नहीं जानता था, आज जानते हैं। मगर मैं पहले की तरह आज भी लोगों को नहीं जानती। मुझे जानती हो? लो, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आप ही तो हैं जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो फिर जाओ इस अनजान शहर में, जहां जाकर मेरा नाम लोगी तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर किसी ने कह दिया कि कौन बावतनाली है तो? तो फिर वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहेगा।
मालिक, 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 क्या हुआ है? मेरी दर्द हो रही है। ओके, क्या? ओह, लगा रहे? मालिक, अस्पताल जा रहे हैं। लेटो, 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 मैं तुफैल भाई को बुला के लाती हूँ। जल्दी बुलाए। क्या? कौन आया बाहर? क्या हुआ? बाहर कोई आया, देखो। कौन? इस वक्त कौन आ गया? मुझे क्या पता। तुफैल भाई, कौन है? मैं हूं मालक। खैर है? हाँ जी, हाँ जी, खैर है। बोल, हुआ तो खोल। हुआ नहीं खोला, थोड़ी नींदर में पता नहीं लगा। क्या हुआ? और गाड़ी निकालें फटाफट। क्यों? फिरोजा को अस्पताल लेके जाना है। तू चल, मैं गाड़ी की चाबी लेके आया। चल, अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह, क्या नाम है? नगीना, मेरा पर्स पकड़ा लो। पर्स मेरा? क्यों? उधार दे दूंगा उसको, परसों दो मेरा। वो तुम्हारा उधार। पैसे कहाँ है? नहीं है। नहीं? एटीएम कार्ड है इसी में। पुत्र, ऐसा कर, 10-10 किलो की चार टोकरियां बना दे, बेहतरीन किस्म के लड्डू बना। वालेकुम अस्सलाम। ओ गुलाम हुसैन, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। तू नाना बन गया है, रब का रूप आ गया हमारे घर में। बेटी रब का रूप होती है। फिरोजा खैर से एक बेटी की माँ बन गई है। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, तो मैं तो मिठाई लेने के लिए आया हुआ था भाई, मेरे खानदान का पहला बच्चा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। सारे घर वालों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे। हाँ, क्या पूछ रहा था? फिरोजा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह साई का शुक्र अदा करो, एडी सोनी धी दित्ती है, अपनी रहमत तो नवाजिया है। फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह बेटे से भी नवाजेगा। पता नहीं अम्मी जान, होगा कि नहीं। मैं कुछ अलग दे, साढ़े खानदान को किसी की मत दुआ है कि साढ़े घर धीया ही धीया थी दिया। पहले आपकी भी साथ बेटियां, सब अपने ही तो है। ससुराल में कोई अपना नहीं होता अम्मी जान, और यहाँ तो मैं नगीना की सूरत में सब तो वड्डा शरीक लिए बैठी हूँ।
को हर तरफ से मात क्यों मिल जाती है अम्मी जान? अच्छा छोड़ ना, छोड़। वेख केड़ी सोनी धी है, वेख ते सही, पता तेरी सास ते आदि पे आई बिल्कुल आयशा वर्गी है। सारों के ना हाथ टूटे हुए, मैं ना देखूं तो कोई नहीं आता इस तरफ। नाजो, ये कभी अन्नी हो गई है, देखा करिए क्या हाल हुआ। जा दरवाजा खोल जाके। इधर रख दो, इधर पैर। नाजो पानी लेकर आ। अल्लाह भी फातिमा, जब ये यास्मीन छोटी होती थी ना, भाई बड़े गुस्से की तेज थी, बिल्कुल श्रीलंका की हरी मिर्च की तरह। मैं जब घर में आना, थाड़ करके ग्लास मेरे पैरों में आना, और मैंने देखना तो ये खड़ी होती थी। गुस्सा इसका अब भी नहीं गया। अब देखे ना, ये अगर हमें इतला दे देती या फोन कर देती तो हम उसे स्टेशन पर लेने चले जाते। आपकी बात बड़ी होती है पाजी, मैं अगर आपको आने की इत्तला कर देती ना, आप मुझे आने से ही मना कर देते। हाय हाय, क्यों ऐसे क्यों करना था भला? तेरा अपना घर है, जब जब आ तू। आप लोग इसलिए मना कर देते कि मेरी बेटी का रिश्ता करके भूल गए हैं आप, उसका जिक्र ही नहीं सुनना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। ऐसी ही बात है, इसीलिए तो आप मेरा फोन नहीं सुनती अब। खैर, मैं गिले करने तो नहीं आई, आपको पोती की मुबारकबाद देने आई हूँ। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ने नसीब अच्छे करे उसके। आमीन सुमा, मुझे पता होता ना तू आ रही है, तू मिठाई मंगा के रखती। पापी जी, मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी, पोती की खुशी की भी और शादी की तारीख तय करने की भी। शादी? किसकी शादी? हाय, मेरी बेटी शाइस्ता और आपके बेटे अब्बास की। या बस घूम हो गई आप लोगों की क्या? या आप शादी करने ही नहीं चाहते? ओ बहन मेरी, जब रिश्ता लिया है तो शादी भी करेंगे, किसने इनकार किया है? लेकिन तू हमारे हालात भी तो देखना, हमारी मजबूरी को भी तो समझने की कोशिश कर। पाजी, ऐसी कौन सी मजबूरी है? खैरी सलाह, चार चार बेटे हैं आपके, माशाल्लाह से तीन कारोबार करते हैं, तो फैल का इतना अच्छा कारोबार है, हैं? तो फिर कैसी मजबूरी है? मेरी बेटी का नाम करके अब आप लोग पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे? मेरी बेटी ना खानदान में बदनाम हो जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही है, क्यों नहीं शादी करनी है? बस ये नगीना से जरा फारिग हो जाए, फिर रखते हैं तारीख, क्यों जी? हाँ तो ठीक कह रही है, करेंगे शादी, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जुबान दी है। और फिर तेरी बेटी कोई गैर तो नहीं है ना? लेकिन एक बात तुझे बता दें भाई, हम ये कराची वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम शादी करेंगे सादगी के साथ। लो बताओ भला, है मेरी एक ही इकलौती बेटी है बाजी, तो उसकी शादी भी हम इतनी सादगी से करेंगे भला क्या? और तेरी कल्ली धी है, तू जितने मर्जी चाह पूरे कर, मेरे चार पांच है ना, मैं तो सादगी से बरात लेकर आऊंगा। बस आप पीना, बस चल छाट बिस्कुट ले। नगीना ये देखो, देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। फिर तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? तो देखो तो सही, तुमने देख लिया ना, बस काफी अब
प्लीज इसे वापस ले जाओ। वो थोड़ी देर के बाद वापस ले आऊंगा। तुम्हें पता तो है कि मुझे बेटियों से कितनी मोहब्बत है। तुम्हें है ना, मुझे नहीं। नगीना देखो, तुम भी एक बेटी हो, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें बेटियों से इतनी नफरत क्यों है। फैन प्लीज अभी मेरी बात मानो और इसे इसकी माँ के पास वापस ले जाओ। तुम्हें हो क्या गया है, मेरी समझ में आए। कुछ नहीं हुआ है, ये चिल्ले की बच्ची का साया मेरी कोख पे पड़ रहा है। फिरोजा की माँ ने भी सिर्फ बेटियां पैदा की, फिरोजा ने भी बेटी पैदा की। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर भी बेटी पैदा। खुदा का वास्ता है, किस किस्म की बातें सोच रही हो, वो क्या कह रही हो। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है और जो बेटियों की कदर नहीं करता उसे जिंदगी में किसी रिश्ते से मोहब्बत नहीं मिलती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और मैं तो समझ रहा हूँ नकीना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे बेटी से नवाजे। और अगर बेटा हुआ तो? सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं अपने रब से बेटी का तलबगार रहूंगा। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है मेरे खानदान से बदसन मत। छोटा सा खानदान है मेरा, मेरा दुख मेरा सुख इन्हीं के साथ। जिंदगी में आज तक सिर्फ एक बार इख्तलाफ हुआ, तब जब मैंने तुझसे शादी की। और मैं नहीं चाहता कि जिंदगी फिर उस वक्त को दोहराए कि मेरा इनसे इख्तलाफ। देखो नकीना, मैं तवक्को करता हूं कि तुम वो वक्त मेरे सामने कभी लाओगे नहीं। वक्त आने दो तुफैर, तुम्हारे खानदान के लिए तुम्हारी जुबान पर कभी इकरार नहीं आएगा। मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। हाँ, इन्हें कितनी शादी दी, तारीख भी रख छोड़ी है। कब है शादी? अगले महीने की 7 तारीख रखी है। ताईजान, मैं मुल्तान जाना चाहती हूँ। इस वक्त लगीना को तेरी बड़ी जरूरत है, साथ अच्छा होता है ना। उसको मेडी तो क्या, तुसा की भी लोड नहीं है। लिस्ट मार के रखती है इसने मेरे कमरे की, फाइलों की जगह किताबें रखती है, किताबों की जगह कपड़े रखती है। भाईजान ने किस गल की मुबारकबाद दी है? तो फैल के घर बेटा हुआ है ना। मेरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जा।